Good morning students. Today we are going to start lecture 2 of chapter 4 for class 11th RBSC Hindi medium. Okay? जो हिंदी मीडियम आरबीएससी क्लास है इसका चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना है. ठीक है, इसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, लेक्चर पहला जो भी लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कौन कौन से मतलब हमने रासायनिक बंधन की आवश्यकता क्यों है, अष्टक का नियम क्या है, लुईस कजल का नियम क्या है और लुईस संरचना कैसे बनाएंगे, उनके ऊपर जो आवेश है उसकी गणना कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में बताया था. ठीक है, उसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है. आज हम पढ़ेंगे किस बारे में कि आयनिक बंध क्या होते हैं. सबसे पहले देखिए दो तरीके के बंध हैं, एक बंध है आयनिक बंध. ठीक है, ये हमने वैसे एग्जांपल में पढ़ लिया लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आयनिक बंध क्या होते हैं. आयनिक बंध का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने, किससे बने, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं. ठीक है, ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि Na है, इसके पास है 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये सोडियम प्लस वन में बदल गया, इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन आ गए. तो एक तत्व यानी आयनिक बंध बनाने के लिए हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडीशन क्या क्या स्थिति होनी चाहिए. जो आईपी है, आईपी का मतलब आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, किस किस के बीच में बनते हैं, धातु व अधातु के मध्य बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना है धातु व अधातु के मध्य बनते हैं. ठीक है, तो आईपी, आईपी और आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, धातु की. पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि धातु की आयन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. क्लियर, दूसरा इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये धातु है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी कम ऊर्जा में ये इलेक्ट्रॉन त्यागते. दूसरा आपके पास सीएल है, इसके पास है 287, ये क्या है, एक अधातु है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी, ग्रहण करते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2R हो जाएगा. तो दूसरा क्या है कि धातु की आयन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और अधातु की, अधातु की क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की, अधातु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर, समझ में आ गया, इनके बिना बनेगा ही नहीं. ठीक है, अब एक आपके पास Na प्लस है, एक आपके पास Cl माइनस है, दोनों ये क्या है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, दोनों ये आपस में जुड़ते हैं किससे, स्थिर वैद्युत बल से, ये मैं बता चुकी हूँ, स्थिर वैद्युत बल से जुड़ते हैं और एक आयनिक बंध बनता है. तो तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन आती है जालक ऊर्जा. जब आपका यौगिक बन गया तो यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए. ये तीनों चीजें क्या है, ये आयनिक यौगिक की कंडीशन है, आयनिक यौगिक बनने के लिए आवश्यक शर्तें. यदि ये चीजें नहीं होंगी तो आयनिक यौगिक नहीं बनेगा. तो यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए. अब ये जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा को हम यू से बताते हैं. जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो विपरीत आयनों से बने एक मोल यौगिक को, एक मोल यौगिक को
एक मूल यौगिक को बनाने पर मुक्त होती है। क्या होती है? बनाने पर मुक्त होती है। क्या मतलब है कि वह उसे जालक, पूछा क्या है, एक जालक बनेगा। जालक का मतलब आयन क्योंकि कैसे होते हैं, जालक के रूप में होते हैं, ए प्लस आयन, ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, इस तरीके से होते हैं। तो जो विपरीत आयनों के आयनों से बने, विपरीत आयन जब पास पास आएंगे, प्लस आयन माइनस आयन, ये जब पास पास आएंगे तो पास पास आने पर एक यौगिक बनेगा। वो यौगिक एक मोल यौगिक को बनने में या बनाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है या एक मोल ठोस यौगिक को अपने अवयवी तत्वों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। यानी एक मोल यौगिक, ठोस यौगिक को यदि आपको तोड़ना है अपने अवयवी तत्वों में, ठीक है, जिनसे मिलकर वो बना है, तो उसे भी हम जालक ऊर्जा ही कहते हैं। और जो दो आयन पास पास आ रहे हैं, तो पास पास आ रहे हैं तो आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो आकर्षण बल बढ़ रहा है तो उस टाइम पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। ये किस बात पर निर्भर करती है? जालक ऊर्जा जो है धनायन के आवेश और आकार पर निर्भर करती है। आवेश जितना ज्यादा होगा और आकार जितना कम होगा, जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जब हम आयनिक यौगिकों के, ये तो आयनिक बंध के बारे में बता दिया, आयनिक यौगिकों को बनाने के लिए, अब आयनिक यौगिक के गुण क्या हैं, गुणधर्म। यदि हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कैसा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल होता है, क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। तीसरा, इनमें कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? आयनिक क्रियाएं होती है, यानी कि आयनिक यौगिक जो है वो टूटेगा तो आयन मुक्त होंगे, तो आयनिक क्रियाएं होती हैं। आयनिक क्रियाएं होती हैं जो कि कैसी होती है? तेज होती है, क्योंकि आयन टूटेगा तो तेजी से भगेगा, ठीक है। ठोस अवस्था में ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। और गलित अवस्था में, और गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। क्लियर? पांचवा क्या है? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय। यानी ये ऐसे यौगिकों में घुले, ऐसे विलायकों में घुलेंगे। देखो, आयनिक यौगिक का मतलब क्या है? आयनिक यौगिक का मतलब विद्युत ऋणता में अंतर, आप ऐसे समझना। आयनिक यौगिकों का मतलब है, आयनिक यौगिक किससे मिलकर बना? आयन से मिलकर बना है, प्लस आयन से और माइनस आयन से, तो दोनों आयन की विद्युत ऋणताओं में अंतर हो गया ना, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर होने पर, ठीक है, तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, गलनांक क्वथनांक इनके ज्यादा होते हैं, आयनिक अभिक्रियाएं करते हैं। अब आप आ जाइए कि अब हम पढ़ेंगे आबंध प्राचाल। क्या है ये आबंध प्राचाल? लेकिन यदि आपसे सेम ऐसे सहसंयोजक यौगिक में पूछा जाए तो सहसंयोजक यौगिक किससे मिलकर बनते हैं? यदि आपसे यहाँ पर आयनिक यौगिक के बाद आप शॉर्ट में एक बना सकते हैं सहसंयोजक यौगिक का, सहसंयोजक यौगिक किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझे से, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वहां पर, शेयरिंग होती है, ठीक है। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? सारे के सारे ठोस नहीं होते, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रबल स्थित वैद्युत आकर्षण बल नहीं पाया जाता, ये सबसे प्रबल तरीके का बल है, इनमें ये बल नहीं पाया जाता, इनमें सहसंयोजक बल पाया जाता है जो कि इन आयनिक जो बल है उससे दुर्बल होता है। इसमें कैसी क्रियाएं होती है? इसमें आयनिक क्रियाएं नहीं होती, आणविक क्रियाएं होती है। इसमें कैसी क्रियाएं होती है? आणविक क्रियाएं होती है,
ये द्रव व गैस भी होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको फर्क बता रही हूँ। दूसरा, इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं। इनमें आणविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जो कि कैसी होती है, धीमी होती है। चौथा, ये विद्युत के उचालक होते हैं, उचालक, ठीक है। और पांचवा, ये ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ये किसमें विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है, विलय होते हैं, ठीक है। अब आबंध प्राचाल का मतलब है कि हमने कोई भी यौगिक बनाया, यौगिक बनाया तो दो परमाणु पास आए, पास आए तो निरंजन बंध बने। तो बंध के आबंध प्राचाल का मतलब पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स का मतलब एक बंध में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, पहला है बंध क्रम, बंध क्रम, ठीक है। बंध क्रम को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बंध क्रम का मतलब है दो परमाणुओं के मध्य बने बंधों की संख्या। जैसे मान लो एक है तो इसके बीच में एक ही बंध बना हुआ है। यदि मैं ऐसे लिख दूं ये दो बंध है और इसके बीच में तीन बंध है, तो यदि आपसे पूछा जाए बंध क्रम क्या होगा, इसका एक होगा, इसका दो होगा और इसका तीन होगा, ठीक है। और बंध क्रम जो है वो किसके समानुपाती होता है, बंध क्रम जितना ज्यादा होगा बंध ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए में उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बंध क्रम जितना ज्यादा होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। ये रिलेशन है जो कि आपको लर्न कर, बंध लंबाई, देखो इसमें एक ही बंध है ये लंबा है, इसमें दो है ये छोटा हो गया, इसमें तीन है ये और भी छोटा हो गया, तो यहाँ पर बंध लंबाई कम होगी, ठीक है। फिर दूसरा है, दूसरा क्या है आपके पास, बंध लंबाई, ठीक है। बंध लंबाई, बंध लंबाई का मतलब दो आबंधित या दो बंधित, आबंधित, दो आबंधित परमाणुओं से बने अणु, दो आबंधित परमाणुओं से बने अणु, दो आबंधित परमाणुओं से बने अणु की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाता है, बंध लंबाई कहलाता है, बंध लंबाई कहलाता है। दो आबंधित परमाणु, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक अणु बनाया है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। तो दो आबंधित परमाणु, ये दो परमाणु है, इन दोनों ने मिलकर एक अणु बनाया है, तो अंतर नाभिक दूरी का जो आधा होगा वो क्या होगा, तो ये जो है क्या है, ये बंध लंबाई है, ठीक है। अंतरनाभिकीय दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, ये बंध लंबाई है, जिसे हम किससे बता रहे हैं, डी से। मान लो ये एक ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, तो डी ए बी क्या हो गई, आर ए प्लस आर बी हो गई, क्लियर, ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो आपकी बंध लंबाई है वो किस बात पर निर्भर करती है, बंध लंबाई देखिए, बंध लंबाई किस बात पर निर्भर कर रही है, बंध लंबाई बंध आकार पर निर्भर करती है, कारक है जिनके ऊपर निर्भर करती है। बंध लंबाई जितनी ज्यादा, बंध लंबाई उतनी ज्यादा होगी बंध का आकार। जैसे HF, HCl, HBr और HI में उसने पूछा बंध लंबाई का क्रम बताइए, तो अब आप देखो, आप
आपने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। तो एस तो सबसे समान है, लेकिन फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो बंद ऑर्डर क्या हो जाएगा ये, तो बंद लंबाई का क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, तो बंद लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ठीक है, तो बंद लंबाई इस तरीके से हो जाएगी। बंद क्रम होगा क्या होगा, बंद क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये सबसे पहले टूटेगा, ये उसके बाद, ये उससे भी बाद, ये सबसे बाद में, क्योंकि ये सबसे प्रबल होगा। ठीक है, फिर है दूसरा, बंदों की संख्या, बंदों की संख्या बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बंद, बंद जितने ज्यादा होंगे बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम वही C1CC, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। बंदों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा, तो इसकी बंद लंबाई सबसे कम और इसकी बंद लंबाई सबसे ज्यादा होगी। बंद लंबाई का ऑर्डर बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर तीसरा है अनुनाद। अभी आपको ये पता नहीं है, अभी आएगा अनुनाद। जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई, अनुनाद जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी कम होगी। आप उल्टा लिख रहे हैं, आप इसको ऐसे लिखो जिससे आपको दिक्कत हो, बंद की, बंदों की नहीं, इसको आप ऐसे लिखो बंद की लंबाई, और ये है बंद क्रम, बंद क्रम। ठीक है, बंद लंबाई, बंद लंबाई जितनी ज्यादा होगी, मतलब अनुनाद जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, चौथा प्रतिशत एस गुण, जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ही कम होगी, बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। प्रतिशत एस गुण जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। मैंने आपको बताया था SP, SP2 और SP3। एस कौन किसमें ज्यादा है, एसपी में ज्यादा है, इसमें 50% है, इसमें 33% है, इसमें 25% है, तो बंद लंबाई का ऑर्डर ये हो जाएगा। प्रतिशत एस कौन जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है, ये बंद लंबाई होगी। ठीक है, तीसरा है, इसी में यदि हम आगे देखें, फिर है बंद कोण। क्लियर, बंद कोण क्या था, मतलब बंद से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली, बंद क्रम के बारे में पढ़ ली है, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बंद लंबाई का मतलब बॉन्ड लेंथ। अब तीसरा, तीसरी चीज आ गई जिसे हम कहते हैं बंद कोण। बंद कोण का मतलब ये बंद, ये ये ए है, ये दो परमाणु जुड़े हुए हैं, ये जो कोण है ये क्या है, बंद कोण। तो बंद कोण की डेफिनेशन क्या हो गई, बंद कोण की जो डेफिनेशन हो गई, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित निकटतम परमाणुओं के मध्य का कोण, ऐसे ये ए है, ये बी है, मान लो ये सी है, तो निकटतम दो, ये जो किसी यौगिक में उपस्थित निकटतम परमाणुओं के मध्य का, निकटतम परमाणुओं के मध्य का कोण, ये जो एंगल है ये कोण क्या कहलाता है, बंद कोण कहलाता है। ठीक है, फिर है बंद वियोजन ऊर्जा, चौथा है बंद वियोजन ऊर्जा, जिसे हम बंद बंद एंथैल्पी भी कहते हैं, बंद या आबंद कुछ भी कह सकते हो, आबंद एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गैसीय स्थिति
में गैसीय स्थिति में परमाणुओं एक विशिष्ट बंध को तोड़ने गैसीय स्थिति में एक विशिष्ट बंध को या फिर एक मोल विशिष्ट बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। और बंध वियोजन ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है? बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्टली समानुपाती होती है बंध क्रम के। बंध क्रम जितना ज्यादा होगा बंध वियोजन ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे CC, C डबल बॉन्ड, C, C ट्रिपल बॉन्ड, C, यहाँ पर बंध क्रम एक है, यहाँ पर बंध क्रम दो है, यहाँ पर बंध क्रम तीन है। तो बंध क्रम जितना ज्यादा होगा बंध को तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं इसको और हम पढ़ेंगे एक बार। अनुनाद को क्या कहते हैं? अनुनाद क्या है? ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब किसी यौगिक की संरचना बनाई जाती है, जैसे हमने लेविस संरचना बनाई थी, लुईस संरचना बनाई थी, तो जब हम किसी यौगिक की संरचना बनाते हैं तो उसके सभी गुणों को हम एक संरचना से नहीं समझा सकते। उस समय पर हमें एक से ज्यादा संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तो वो प्रक्रिया जिसमें एक यौगिक की अनेक संरचनाएं बनाई जाए, ठीक है, तो अनुनाद क्या है? यदि हम देखें तो अनुनाद का मतलब जब किसी यौगिक के समस्त गुणधर्मों को एक संरचना द्वारा ना समझाया जा सके उस समय बनाई जाने वाली संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। तथा ये प्रक्रिया अनुनाद कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुनाद। अनुनाद का मतलब ये कि मान लो एक कोई भी यौगिक है, जैसे ये है ओजोन की संरचना हमने ऐसे बनाई थी, ठीक है, ये हम बना चुके हैं लुईस संरचना। अब थोड़े टाइम बाद एक संरचना और हमने बना दी ऐसे, क्योंकि इससे इसमें ये पता पड़ा कि इन दो के बीच में द्विबंध है, इसके बीच में एक बंध है। अब ये जबकि इन दो के बीच में तो द्विबंध हो सकता है और इसके बीच में भी एक बंध हो सकता है, ठीक है। तो ना तो हम इससे जो उनकी सारी संरचना बता पा रहे हैं, ना इससे हम इसके सारे गुणधर्मों को बता पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक तीसरी संरचना बनाते हैं जिसमें ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पर भी द्विबंध हो सकता है, यहाँ पर भी द्विबंध हो सकता है, यहाँ पर भी सिंगल बंध। इसका मतलब संरचना वाकई में कैसी है? ऐसी है संरचना। इसका मतलब द्विबंध की स्थिति और एकल बंध की स्थिति निश्चित नहीं है। तो ना हम इससे समझा पा रहे हैं, ना हम इससे समझा पा रहे हैं, तो हम एक तीसरी संरचना से समझा पा रहे हैं। तो ये संरचना, तो ये प्रक्रिया जब हम किसी भी अणु के या किसी भी यौगिक के समस्त गुणधर्मों को बताने के लिए अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं तो वो प्रक्रिया अनुनाद कहलाती है। उसमें बनी हुई संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। तो ये संरचनाएं क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं जिन्हें इस तीर के द्वारा अलग किया जाता है। और ये संरचना क्या है? इसे हम कहते हैं अनुनाद संकर, ठीक है।
ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं ये कैसी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं, ये अनुनादी संरचनाएं हैं जो कि कैसी होती है, काल्पनिक होती हैं, और जो अनुनाद संकर है ये वास्तविक संरचना होती है, ये वास्तविक संरचना होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये संरचना वास्तविक संरचना होती है, ठीक है। अनुनादी संरचना बताते वक्त हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहली बात, परमाणुओं की स्थिति, परमाणुओं की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, परमाणुओं की स्थिति अनुनादी संरचना में नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, परमाणु वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। नंबर दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुनादी संरचना में नहीं बदलनी चाहिए। तीसरा, समान आवेश समान परमाणुओं पर नहीं होनी चाहिए, समान परमाणुओं पर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है, समान परमाणुओं पर नहीं होने चाहिए। और चौथा, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी होनी चाहिए। ये चार चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुनाद संकर है, ये अनुनाद संरचनाएं हैं जो कि काल्पनिक होती हैं, वाकई में ऐसी कोई संरचना नहीं होती, ये अनुनाद संकर ही है। तो अनुनादी ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखिए, अनुनादी ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है, अनुनादी जो आप ऊर्जा निकालते हैं वो क्या होती है, वो होती है सर्वाधिक स्थायी। आपने बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनाई है ना, तो सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना की ऊर्जा माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा, माइनस अनुनाद संकर की ऊर्जा, इन दोनों का जो ऊर्जा अंतर होगा, यानी आपने बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनाई तो उन अनुनादी संरचनाओं में जो सबसे ज्यादा स्थायी है वो, और जो अनुनादी संकर है उन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो अनुनादी ऊर्जा कहलाता है। अनुनाद से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे आगे भी काम में आएगा। अनुनाद में क्या होता है, वाकई में आवेश का विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, आवेश का विस्थानीकरण होता है, मतलब आवेश जो है वो एक परमाणु पर नहीं रहता, सब पर फैल जाता है। तो आवेश जब सब पर फैल जाता है, आवेश का विस्थानीकरण होता है, और जितना ज्यादा आवेश का विस्थानीकरण होगा ऊर्जा उतनी ही, आवेश का विस्थानीकरण जितना ज्यादा होगा स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा आएगा, अणु उतना ज्यादा स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका, आपको बंध क्रम, आयनिक बंध और अनुनाद के बारे में मैंने बताया है, इसे आप नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।